जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPPCS हिंदी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है NCERT की क्लास 9th चैप्टर करेंगे। तो NCERT जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। NCERT आप पढ़े रहेंगे तो आपका जो है जो भी डाउट आपका जो बच जाता है वो आपको NCERT से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो हम लोग अभी चैप्टर नंबर 9 पर हैं और इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है इसमें से आधा जो है पढ़ लिया है और आधा आपको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो छूट गया है आप उसे देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर की कहानी यही है ना कि इसमें क्या है कि नए साम्राज्य और नए राजा, यानी नए साम्राज्यों के बारे में बताने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बताएगा कि जो है साउथ के जो जो राज्य हैं, जैसे कि जो चोल चेर जो पांडे हो गए हैं, तो इनके बारे में भी इसमें कहानियाँ दी गई हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया गया है, बेसिक नॉलेज। बाकी आपको डिटेल में जो है आगे आने वाले जो है क्लास में आपको अच्छे से पूरा डिटेल में सिस्टमेटिक ढंग से मिलता रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रसार भी देखा, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है चालुक्यों के यहाँ से और पल्लव जो शासक हुआ करते थे उनके यहाँ से। यहाँ देखिए, पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, यानी जो है पल्लव की, चालुक्यों की और पुलकेशिन द्वितीय की जो है प्रशस्तियाँ, यानी इनकी इनकी जो है क्या है जो प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, तो किसी पर जो है प्रशंसा के लिए लिखी जाती हैं। अब देखिए, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, ठीक है। यानी जो पल्लव और जो चालुक्य रहे हैं वो साउथ इंडिया के क्या थे ना, मतलब इम्पोर्टेंट जो है उस समय राजा हुआ करते थे। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के जो है कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। यानी जो है पल्लवों का राज्य कहाँ तक फैला था, तो कावेरी नदी के डेल्टा तक, जबकि चालुक्यों का राज्य जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, ठीक है ना। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, ठीक है ना। इन चालुक्यों की जो राजधानी थी वो ऐहोल जो थी ना, वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो धार्मिक केंद्र भी बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है कई मंदिर मिलने लगे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, यानी जो ये इसके सीमा में जाएगा और वो इसकी सीमा में जाएगा। अतिक्रमण मतलब है ना, मतलब ये लोग झगड़ा करते थे, ठीक है ना, सीमाओं को लेकर इनके अंदर जो है मतभेद। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, यानी अतिक्रमण में जो है निशाना किसको बनाया जाएगा, जो है मेनली जो राजधानी होगी जो वहाँ की, तो उनको जो है टारगेट किया जाता था, ठीक है ना। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो सबसे जो है समृद्ध शहर थे। आज भी जो है आतंकवादी जो है किसी देश पर वार करते हैं या कोई युद्ध होता है तो लोग कहाँ ट्राई करते हैं, उसी राजधानी पर, क्योंकि अगर वो राजधानी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वही टूट जाएगा तो फिर आगे वाला तो पस्त हो जाएगा ना। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, ठीक है। जो पुलकेशिन जो द्वितीय रहे हैं, ये जो है सबसे प्रसिद्ध राजा रहे हैं, ठीक है। चालुक्यों में जो है सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो पुलकेशिन थे। उनके बारे में हमें अनेक दरबारी कवि जो रवि कीर्ति द्वारा रचित जो है प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें जो है अनेक पूर्वजों, खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, यानी पुलकेशिन द्वितीय को राज्य किसने दिया था, जिसके जो इनके जो है चाचा जी ने। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समित जो है समुद्र तटीय जो इलाके रहे हैं वहाँ पर उन्होंने अभियान चलाए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका है, ठीक है। हर्ष को आगे बढ़ने से मतलब समझ रहे हैं, हर्ष का अर्थ आनंद होता है, ठीक है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष, यानी अब हर्ष नहीं रहा, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने जो है किस पर आक्रमण किया है, तो जो है पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया है, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, यानी जो है ये चालुक्य जो पुलकेशिन जो मतलब जो चालुक्य जो युद्ध लड़ रहे थे, जो इनकी विजय जो है मतलब जीते ना, तो बहुत कम समय के लिए, ठीक है। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, यानी जो दोनों जो ये वंश है ना, ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, धीरे धीरे डाउन होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः जो है मतलब पल्लव और जो चालुक्य जो दोनों दो वंश हैं, इनमें आपस में क्या होता रहा है, इसका सिंपल सी बात सुन लीजिए, ये दोनों में क्या होता रहा है ना कि ये सीमावर्ती को जो लेकर इन लोगों में बहुत मतभेद रहा है, ठीक है ना।
और आपस में युद्ध करते रहे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि इन दोनों को किसने हरा दिया, राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने इनको तो समाप्ति कर दिया। ठीक है, इनको हमको आगे पढ़ने को मिलेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, अब देखिए यहाँ पर प्रशासन जो इन लोग का जो है, इन लोग का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे चलता रहा है, उन चीज़ों को देखेंगे। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, यानी इन राजाओं के लिए भी क्या है कि जो है जो भूमि कर जो था ना, ठीक है, यानी जो लैंड टैक्स कहते हैं, जो भूमि कर कहते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, यानी इस समय में जो है जो प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई है वो गांव से शुरू होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, यानी अपने सामरिक शक्ति जो है मजबूत किए। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर जो है युद्ध होगा तो युद्ध में किसको जो है तवज्जो मिलेगी, जो है युद्ध करने वाला होगा जो सामरिक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो है सामरिक शक्ति मजबूत करने, यानी आपको हथियार लाने पड़ेंगे। जैसे आज भारत कर रहा है, राफेल खरीदेगा, बहुत सी चीज़ें खरीदेगा। भारत का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत को शौक है खरीदने का, भारत जो है सामरिक स्थिति से मजबूत होना चाहता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, यानी इस समय जो है पल्लव और चालुक्य के समय क्या हो गए कि जो पद थे ना, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो पद हुआ करते थे वो पद भी अनुवांशिक हो गए। राजा तो अनुवांशिक था ही, ठीक है, परंतु जो कुछ अधिकारी के जो पोस्ट थे ना वो भी अनुवांशिक हो गए। अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थाए जो है, अर्थात जो है मुख्य न्यायाधिकारी थे, यानी इनके पिता क्या थे, कवि जो थे हरिसेन जो रहे हैं, इनके पिताजी जो रहे हैं वो न्याय अधिकारी थे, जिसे महादंड नायक भी कहा गया है प्राचीन काल में। तो वो जो है उनके मरने के बाद जो है जो कवि हरिसेन है इनको मुख्य न्याय अधिकारी बनाया गया। तो समझ रहे हैं, यानी एक अनुवांशिक पद हो गया। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य थे। कुमारा मात्य क्या होता है, एक जो है महत्वपूर्ण कोई मंत्री हो, महत्वपूर्ण अधिकारी हो उसे, ठीक है, अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक जो है संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषय को भी मंत्री थे। यानी जैसे कि इसमें ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राचीन काल में जो है जो मंत्री का पद था ना वो धीरे धीरे अनुवांशिक हो गया, ठीक है, यानी अब उसको बेटे को ही मिलेगा। और एक चीज़ ये भी बता रहा है कि उस समय जो प्रशासनिक होते थे, जो मंत्री होते थे, ये कई व्यक्ति को मतलब कई कार्यभार संभालने होते थे। आज भी तो होता है, एक ही व्यक्ति जो है, ये कई कोई व्यक्ति है उनको जो है कई मंत्र जो है कई विभाग मिल गए हैं, तो कई विभागों का जो है मुखिया होता है। आप जो है किसी जिले के जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ले लेंगे तो वो जो है कई सारे विभागों का, कई सारे जो है संस्थानों का मुखिया होता है और कई सारे काम हैंडल कर रहा होता है। संभवतः वहाँ के स्थान प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों को जो है बहुत बोलबाला था। इनमें नगर सृष्टि यानी जो है मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, इसमें जो है जिसको जो है नगर सृष्टि का मतलब समझ रहे हैं, एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं कि नगर सृष्टि कौन है। तो जो प्राचीन काल में जो है मुख्य जो बैंकर हुआ करता था उसे क्या कहा गया है, तो नगर सृष्टि कहा गया है, ठीक है। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, सार्थवाह कौन है, तो व्यापारियों के जो है काफिले का नेता। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना तो आप कमेंट करिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ छूट गया है तो कमेंट करेंगे ना, तो फिर मैं आपको जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जो है सारे डाउट जो है क्लियर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, जो है संतुष्ट वाले आंसर मिल जाएंगे। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थो, कायस्थ किसे कहा गया है, तो लिपिकों को कहा गया है। लिपिकों के जो है प्रधान जैसे लोग रहते थे, ठीक है। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बताएगा ना, यहां से इस चैप्टर में हम लोग इसमें सामंतवाद की जो है झलक मिलेगी। अब सामंतवाद क्या होता है, ठीक है, मैं आपको सामंतवाद पहले मैं बता दूं। जैसे कि देखिए अब क्या हुआ है कि गुप्तों के समय में, पल्लव और चालुक्यों के समय में क्या हुआ है अब, ठीक है, यानी जो हम लोग की जो एंशियंट जो हिस्ट्री रही है, अब उसमें धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये लोग पहले सैलरी देते थे, ठीक है, अपने अधिकारियों को, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि सैलरी देना बंद किया, उसके बदले जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जिसमें से एक जो है इन लोगों का पद अनुवांशिक हो गया, तो पद अनुवांशिक हो जाएगा, तो जो भी इनका जो है जो टैक्स रेवेन्यू जो है ये लोग वसूलेंगे, ठीक है ना, तो इनके पास पैसे बढ़ जाएंगे। और जो है मान लीजिए ये एक एरिया से, जैसे मान लीजिए
वाराणसी कोई क्षेत्र है, ठीक है। तो वाराणसी का जो है रेवेन्यू कोई एक व्यक्ति वसूल रहा है, तो आप समझिए कि वो ज़्यादा दिन तक वसूलेगा तो उसको ज़्यादा लोग जान जाएंगे, और एक तरह से उसे ही अपना तो जो राजा मानेंगे ना। तो जब उसको ऐसा फील होगा, जब उसको फील हो गया ना कि मैं जो है अब नेतृत्व कर सकता हूँ, राजा बन सकता हूँ, तो उसने क्या किया कि जो अपना स्वतंत्र एक राज्य ही बना लिया, उसको जो है स्वतंत्र बना लिया। इसी तरह भारत के अनेक जगह पर भी ऐसे ही कार्यक्रम में यही क्या है, सामंती व्यवस्था है, यानी सामंतवाद है, ठीक है। यानी इससे क्या होता है, इसे विकेंद्रीकरण भी होता है, यानी सत्ता एक के हाथ में नहीं रह जाती, सत्ता सबके हाथ में हो जाती है। जैसे आज हम लोग के भारत में है, जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में जो है सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे तो जो 50 राज्य हैं जो है अमेरिका के, तो 50 राज्यों के पास क्या है कि अपनी शक्ति है, अपनी जो सीमाएं हैं, अपनी क्षमताएं हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो वही सामंती जो है सामंतवाद का जो है आज हम लोग को बेनिफिट भी मिलता है। आगे हम लोग चलेंगे। एक नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह जो है सुसंगठित सेना रखते थे, ठीक है, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को जो है कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है, बदले में इनको कुछ जो है कुछ को भूमिदान दिया जाता था। अब समझिए कि जो राजा है अब क्या करेगा, अब पहले जैसे मतलब जैसे कि वो अपना घुड़सवार रखेगा, अपने अधिकारी रखेगा, अपने सैनिक रखेगा, तो उसका सैलरी देना पड़ेगा ना भाई, उसको भी उसका पेट कहाँ से भरेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता था ना ये राजा, उस समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन समय में। इसको भी हम लोग डिटेल लिखेंगे कि भाई कौन कौन राजा क्या क्या किया है, इसको भी देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य बना कर रखें, और जैसे जैसे क्लास 6 का एनसीईआरटी बोल रहा है वैसे वैसे करते जाए, ठीक है। तो राजा क्या किया कुछ दिन बाद कि सैलरी देने के बजाय उसने क्या किया ना कि भूमिदान देने लगा, कि जैसे कि आप जो है 2 कट्ठा जमीन रख लीजिए, आप इसमें क्या करिए कि इसमें अपना जो है उत्पादन करिए भोजन और अपना जीविका चलाइए, यानी उनके नाम पर खेत कर दिया, ठीक है। तो समझ सकते हैं धीरे धीरे अब ऐसे होगा तो क्या होगा, राजा कमज़ोर नहीं होगा, उसकी जो है भाई कृषि व्यवस्था ही कमज़ोर हो जाएगी। अब मान लीजिए रोज़ रोज़ दे रहा है, हर साल दे रहा है, तो कितना ज़मीन दे पाएगा, उसकी पीढ़ी देगी, फिर उसके नेक्स्ट पीढ़ी तो नहीं दे पाएगी ना। इस तरह क्या होता है कि धीरे धीरे जो है सबको भी यहाँ पर जो है मतलब राजा का जो केंद्रीकरण जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे डाउनफॉल होता है यहीं पर, ठीक है। राजा कमज़ोर दिखाई देगा। इन सेनानायकों को जो है कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता, इनको क्या किया जाता था, तो बदले में कुछ भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये लोग कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग सामंती व्यवस्था, जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब क्या हुआ, मैंने बताया ना आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई वाराणसी पर, जैसे कि एक राजा है, ठीक है, मान लीजिए दिल्ली पर बैठा हुआ है, वो दिल्ली से शासन कर रहा है, वाराणसी पर, गाजीपुर पर, दिल्ली पर, यूपी पे, बिहार पे, हर जगह पे कर रहा है राज, ठीक है, पूरे भारत पर। परंतु उसने क्या किया कि अब भूमिदान देने लगा, ठीक है, अब भूमिदान देने लगेगा, तो इसके पास ये जब भूमिदान करेगा वो राजा, तो इसके पास तो जगह कम होगी ना, जगह कम होगी, कृषि नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, जब राजा जब कमज़ोर की स्थिति में आता है, तो जो ये लोग जो वाराणसी के जो नेता होते हैं, जो वाराणसी के जो राजा होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी स्थिति को ऊपर उठाते हैं और क्या करते हैं कि जो है मैं ही यहाँ का राजा हूँ, और क्या करते हैं अपने जो है साम्राज्य चलाने लगते हैं, यानी अपने छोटे से इलाके का, यानी अपने एक छोटे से इलाके क्या हो जाएगा, वो राजा हो जाएगा। तो क्या है, तो अपने छोटे से इलाके का सामंत है, यही सामंती व्यवस्था है, ठीक है। इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आपको सामंतवाद जो है कम से कम 10-12 लेक्चर में समझना होगा, ठीक है ना। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लव के अभिलेखों में कोई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, ठीक है, यानी पल्लव के जो अभिलेख, जो पल्लव ने जो अभिलेख लिखे हैं, यानी जो पल्लव से जो संबंधित जो अभिलेख मिले हैं, उसमें क्या है, कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक जो सभा था वो भूस्वामी का संगठन था, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं जो है उप समितियों के जरिए सिंचाई के कार्य करती थी, खेती बाड़ी से जुड़े काम करते थे लोग, सड़क निर्माण भी करते थे, स्थानीय मंदिरों की देखरेख भी करते थे। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। यानी जो है जहाँ पर ब्राह्मण की जो ये सभा की इसकी बात हो रही है, जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी के जो है संगठन नहीं था, वहाँ पर क्या था, तो ग्राम सभा की बात हुई है जो उर नामक है।
नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, ठीक है। नगरम भी क्या है, एक जो व्यापारी होते थे उनके संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं, ठीक है। यानी इसमें से जो सभाएं रही हैं ना, ये बहुत समय तक अपना कार्य की हैं, योगदान दिए हैं, ये चीज़ें रही हैं। अब देखिए कुछ क्या है कि उस जमाने के हम लोग जो है आम लोगों को भी देखेंगे समझेंगे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। इसकी कुछ उदाहरण देखेंगे। अब इसे क्या हुआ ना कि जो अभिलेख है, अभिलेख कौन लिखता था, तो राजा महाराजा लिखते थे। भाई जनता तो नहीं लिखेगी ना, आम जनता, तो आम जनता के बारे में आपको उतनी सारी जानकारियाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जानकारियाँ थोड़ा कम मिलेंगी। तो उसी में जानकारी मिलती है कहाँ से, तो कालिदास के नाटकों से। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। यानी कालिदास क्या कर रहे थे कि जो है राज दरबार में जिसमें वो रहते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे ना वहाँ के जो है, तो वहाँ पर जो है राज दरबार का जो है जीवन का वो चित्रण के लिए जो है प्रसिद्ध थे, ठीक है। यानी जो कालिदास थे जिस दरबार में रहते थे वहाँ का जो है जो दृश्य था ना, जो राज दरबार का, उसका चित्रण करते थे, ठीक है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। यानी जो कालिदास के जो नाटक लिखे हैं, जो नाटक है कालिदास का, तो उसमें क्या किया गया है कि जो राजा है और जो ब्राह्मण है, जो भाषा के जो यूज़ कर रहे हैं वो भाषा कौन सी है, तो संस्कृत बोली है। जबकि अन्य लोग तथा महिलाएँ प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। प्राकृतिक मतलब उनकी अपनी भाषा शैली, यानी उनको संस्कृत नहीं आती होगी उनको जो है, ठीक है, तो वो अपने डेली लाइफ की जो भाषा में ये लोग बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। यानी जो ये कहानी है ना, इसमें क्या किया गया है कि एक जो है जो मछुआरा है इसके साथ जो है जो है कि जो राज दरबारी हैं जो राजा के दुर्व्यवहार करते हैं, यानी बदतमीजी की जो है बातें यहाँ से मिलती है। अब क्या कहानी है, इस कहानी को भी हम लोग देख लें। इस कहानी में मैं आपको समझा दूँ कि एक मछुआरा है, ठीक है, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है। अब कैसे अंगूठी मिलती है, मछुआरा जो है, ठीक है, अब देखिए एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली, ठीक है, एक मछुआरे को कीमती अंगूठी मिलती है। यह अंगूठी जो है राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। राजा जो था, राजा की जो है शकुंतला महारानी होंगी, रानियाँ होंगी, तो रानी जो थी जो शकुंतला, ठीक है, तो उस राजा ने शकुंतला को भेंट किया था। पर दुर्घटनावश क्या हुआ कि वो जो शकुंतला की जो अंगूठी जो थी ना, वो किसी मछली ने निगल लिया था। अब ये व्यक्ति क्या था, मछुआरा था, भाई मछली पकड़ने गया, फिर जो मछली पकड़ कर लाया, तो इसको मछली में क्या मिला, वही अंगूठी मिला। तो इसने क्या किया, इस अंगूठी को लेकर सोचा कि चलो अपने राजा को दे दें, कुछ पुरस्कार मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा और अपना भरण पोषण कर पाएंगे, ठीक है, अपनी जीविका चला पाएंगे। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुँचा, तो जो द्वारपाल है उस पर क्या किया, चोरी का आरोप लगा दिया, भाई इसने जो है चोरी किया है, ठीक है। मुख्य जो पुलिस अधिकारी भी जो है बहुत बुरी तरह से पेश आए। यहाँ पर जो इतने सारे जो अधिकारियाँ हैं वो इस पर जो है अपनी जो है बदतमीजी वाले रौब झाड़ते हैं, ठीक है, यानी इसकी बेइज्जती करते हैं, इसको बोलते हैं। उस अंगूठी को देखकर उसके बाद क्या होना, राजा के पास जो उसे लेकर गया जाया गया, ठीक है। उसके बाद से क्या किया उसने, क्या अंगूठी दिया राजा को, फिर राजा ने क्या किया, उसको इनाम दिया। मछुआरा जो है बहुत खुश हुआ, ठीक है। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से, अब देखिए इसको जब इनाम मिल गया ना, तो जो पुलिस वाले थे और जो मछुआरे थे वो क्या करते हैं कि जो इसके इनाम मिला था उसके इनाम में से कुछ हड़पना चाहते हैं। इसके लिए अब इसमें लिखा है कि इसको जो है शराब खाने लेकर चल पड़े। तो देखिए क्या है, अब मान लीजिए, अब देखिए भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है, समझ रहे हैं ना कैसे। तो उस समय क्या है कि जो नीचे के जो लोग थे, जो आम जनमानस था, उससे जो है प्रशासनिक लोग वो व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे थे, समझ रहे हैं। अब देखिए चीनी तीर्थयात्री फा सियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया है। यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो आम जनजीवन की। तो एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम है फा सियन। वो क्या किया है कि भारत के
जो प्राचीन समय में, ठीक है, तो जो कुछ जो गरीबी रही है ना, जो गरीब जो आम जनमानस के पास, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए जो फासियन था ना, उसका ध्यान कहाँ पर गया है, तो जो शक्तिशाली जो लोग हुआ करते थे उस समय के, तो वो जिसको अछूत मानते थे उसकी बात कर रहा है। अब देखिए अछूतों के बारे में क्या कहा गया है, इन्हें, ठीक है, यानी अछूतों को क्या कहा गया है कि अछूतों को इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था, यानी जो अछूत लोग थे, इस प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, कितनी दयनीय स्थिति थी, सोच रहे हैं दयनीय स्थिति, उसमें क्या था कि जो है अछूतों को बाहर आना पड़ता था। वे लिखते हैं यानी जो फासियन लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये जो व्यक्ति होते थे ये लकड़ी के एक टुकड़े को चोट करते थे, लकड़ी को पीटते रहते थे या आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से कि जो है संपर्क से बचाते थे। यानी जब अछूत लोग जब नगर में आएंगे, जब गांव में आएंगे, तो क्या करते थे ना ये लोग, पहले तो ये लोग भाई साइड में रहते थे, साइड में रखा जाता था, ये भी कौन है, अभी हम लोग की तरह मानव है, मनुष्य हैं, जो एक समय में पिछड़ गए हैं, जो गरीब हो चुके हैं, लेकिन उनको इतना नीचा दिखाया गया है, इतना नीचा किया गया है उस समय कि आप सोच नहीं सकते। यानी समझ सकते ना, सामाजिक असमानता उस समय बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। यानी जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, जिन्हें मानता है समाज, भाई इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, किताब बता रही है, ठीक है, तो कोई अपने ईगो पर ना ले, दिल पर ना ले, ठीक है। तो इसमें एक कहानी है जो सच्चाई है, जो हम लोग को अतीत जानना चाहिए कि क्या कहानियाँ रही हैं, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि है कितनी सारी प्रॉब्लम जो लोगों को झेलने को मिला है, ठीक है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें किसकी बात कर रहा है कि राजा जब हुआ करते थे जो प्राचीन समय के, तो वो जब निकलते थे, जब घर से निकलते थे, तो भाई उसके बारे में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे, ठीक है। इनमें हथियारों के अतिरिक्त इनके पास रोजमर्रा के जो उपयोग होने वाले जो वस्तुएं हैं ना, वो भी रहती थी, जैसे बर्तन हो गया, असबाब हो गया, असबाब क्या, यानी सोने जो है, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान हो गया, खाने पीने का सामान, देखिए लोग बकरी भी खाते थे, हिरन भी खाते थे, खरगोश भी खाते थे, सब्जियां भी खाते थे, मसाले भी खाते थे, और भी किसी जो भी है विभिन्न प्रकार की चीज़ों जो है शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें जो है ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामानों जो है ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तथा तरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को जो है, रास्ते में जो गांव पड़ गया ना, तो उसे क्या करना होगा, उसे राजा का सत्कार करना होगा, सम्मान करना होगा, स्वागतम करना होगा। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे जो आम जनता होती थी, तथा जानवरों को जो है चारा भी देते थे, जो हाथी जब जा रही है तो उसको चारा भी देते थे, ठीक है। इसका मैं एक सचित्र आपको जो है एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि अभी क्या होता है कि गांव में शादियाँ होती हैं, ठीक है, शादियाँ होती है ना, जो अभी भी कुछ जगह परंपरा आपको मिल जाएगी कि वहाँ पर क्या होगा कि हाथी या घोड़े पर जो है वो जो दूल्हा है तो वो आता है और जो है गांव में घूमता है, ठीक है, और गांव के लोग जो उसके क्या करते हैं, कुछ लोग लड्डू खिलाते हैं, कुछ लोग और भी जो है खिलाते हैं। तो ये परंपरा राजाओं से चलती हुई आ रही है, इसलिए हम लोग के माइंडसेट में आज तक बनी हुई है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रास्ते में पड़ने वाले गाँव को उनका सत्कार करना पड़ता था, उनको उनके जानवरों को चारा भी देना पड़ता था, वे राजा से भी मिलना चाहते थे। अब जनता जो है राजा से मिलना चाहेगी ना अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया गया, उनको जो है नहीं मिलता था। पर ये सब ये जो सेनाएं जो थी ना, वो अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानियाँ छोड़ जाती थी। उस समय घर जो ईंटे पत्थरी के नहीं हुआ करते थे, झोपड़ियाँ हुआ करती थी। अब इन झोपड़ियों को जो है क्या करते थे, जो लोग घुड़सवार थे, जो हाथियाँ थी, ये लोग किसी के खेतों में चले गए, किसी का घर तोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वही लोकतंत्र नहीं है ना। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते, ठीक है, जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यानी बाणभट्ट जो है ये अपने जो है स्टोरी में लिखते हैं कि पूरी दुनिया जो है, यानी जब ये राजा अपने
गुजरता है, मान लीजिए वाराणसी हम लोग का गांव है, आज तो ईंटे पत्थर है ना, जैसे मान लीजिए कल्पना करिए कि वाराणसी में क्या है कि पूरा ईंटा जो है मिट्टी उट्टी है, मिट्टी वाला घर है और झोपड़ियाँ हैं, तो अब मान लीजिए ब्लॉकों में के जो है रूप में सैनिक आएंगे, घोड़े आएंगे, जानवर आएंगे, तो कंट्रोल कैसे होंगे? तो भाई क्या करेंगे, वो कृषि वाले जो है भूमि पर भी जाएंगे और घर को भी तोड़ेंगे, इससे तहस नहस हो जाएगा। और उसी को कहा गया है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब यहाँ पर कुछ आपके लिए दिया गया है, कुछ आप भी करिए। जो पॉइंट दिया है ना, जो तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग अब चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, इसका जो बच गया है। तो याद रहे कि मैं इसमें जो है ओल्ड एनसीईआरटी और जो है न्यू एनसीईआरटी दोनों को कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से पढ़िए, बिल्कुल बेहिचक पढ़िए, कोई भी डाउट होता है पूछिए हमसे, ठीक है। मैं आपका दोस्त हमेशा साथ दूंगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।